अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। दोस्तों, आज जिस मशहूर डांसर की मैं बात कर रही हूँ वो 40s और 50s के दौर की टॉप मोस्ट डांसर थी, और आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि वो उस दौर में, उस जमाने में, एक फिल्म में एक डांस करने के लिए 6000 रुपए लेती थी, और वो थी कुकू। एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन, आजा एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन, रात को छुप छुप के मिलना दुनिया समझे पाप रे, पाप रे। एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन। 1928 में पैदा हुई थी कुकू एक एंग्लो इंडियन परिवार में, और उनका पूरा नाम था कुकू मोरे। बचपन से डांस करने का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था, और उनकी ये तमन्ना थी, दिली ख्वाहिश थी कि एक दिन बड़े होने के बाद मैं टॉप मोस्ट डांसर बन जाऊं, फिल्मों में डांस करूं और खूब रुपया कमाऊं, और उनकी ये तमन्ना पूरी भी हो गई। मेरे घूंगर वाले बाल हो राजा, घूंगर वाले बाल हो, दिल में होंगे आंख जागो, सर पे तू है राजा, ओ राजा सर पे तू है राजा, ओ राजा मोरे राजा। कुकू ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था 1946 में, और उनकी पहली फिल्म का नाम था अरब का सितारा। उस फिल्म के डायरेक्टर थे नानू भाई वकील, और हीरोइन थी अपने वक्त की मशहूर सिंगर अमीर बाई कर्नाटकी। और उस फिल्म में, अपनी पहली फिल्म में, कुकू ने इतना अच्छा और बेहतरीन डांस किया कि उसे देखने के बाद कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्हें डांस करने का मौका मिल गया। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी, कोई बताए कहाँ कसर है। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। कुकू बहुत दोस्त नवाज थी। हेलन के परिवार के साथ उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, और वो हेलन को बहुत ज्यादा चाहती थी, और इसकी वजह ये थी कि हेलन बहुत अच्छी डांसर थी। कुकू ने हेलन को मशवरा दिया कि तुम फिल्मों में डांस करना शुरू कर दो, तुम बहुत अच्छी डांसर हो और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम टॉप मोस्ट डांसर बन जाओगी। और हुआ भी यही, और आज तक इस बात को खुद हेलन भी मानती हैं कि मुझे फिल्मों में लाने का क्रेडिट जाता है कुकू को। कुकू शोहरत की बुलंदियों पे थी, उनके पास सब कुछ था, इज्जत, दौलत, शोहरत। मुंबई में एक बहुत बड़ा शानदार बंगला था, और तीन मोटरें थीं, एक खुद अपने लिए, दूसरी दोस्तों के लिए, और एक पेट्स के लिए, सिर्फ कुत्तों को घुमाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि किस्मत का और वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, पता नहीं कब पलट जाए। कुकू के साथ भी ऐसे ही हुआ, वो राजा थी और रंग बन गई, देखते ही देखते सब कुछ ख़त्म हो गया। और वो कहती थी कि अपनी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि जब मेरे पास बहुत ज़्यादा रुपया था, बहुत ज़्यादा पैसा था, तो मैंने उसकी कदर नहीं की, पानी की तरह बहा दिया, और नतीजा ये निकला कि मैं एक एक पाई को मोहताज हो गई। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे उस वक्त हुई जब मैंने खाने की कदर नहीं की। बड़े बड़े 5-स्टार होटलों से खाना मंगवाती थी, अपने दोस्तों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी, और बाकी जो खाना बचता था वो खाना मैं फेंक देती थी। बस यही बात ऊपर वाले को मेरी बहुत बुरी लगी, और मैं एक एक दाने को मोहताज हो गई। आखिरी दिनों में
कुकू बहुत बीमार हो गई थी, उनको कैंसर हो गया था, लेकिन अफसोस ना कोई साथ रहने वाला था और ना कोई साथ देने वाला। वो अपने काम खुद करती थी, सब्ज़ी मार्केट में जाती थी और सब्ज़ी वाले जो सब्ज़ी साफ करते थे, डंठल और सूखे हुए पत्ते सड़क पर फेंक देते थे, वो बटोर के उठा के लाती थी, पकाती थी और खाती थी। दोस्तों, किस्मत की सितम ज़रीफ़ ही देखिए कि जब तक वो ज़िंदा थी उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ, और जब वो मर गई तो कफन के पैसे भी नहीं थे। 30 सितंबर 1981 में कुकू ये दुनिया छोड़ के चली गई। मुझे एक शेर याद आ रहा है, लाश उसकी मांगती रही कांधा, उम्र जिसकी कटी रिश्ते निभाने में। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी, आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।